चलो डेमान, चलेगा? चलो हैं, चलो चलो, हाँ चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा छुट्टी हो गया समाप्त और चले आज के बाद ड्यूटी पे। इससे पहले यहाँ पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन अब फिलहाल दाढ़ी बनानी है क्योंकि अब फौजी भेजने हो जाना है। तो अब यहाँ से चले छुट्टी के लिए। हालांकि अभी बच्चे लोग सोया हुआ है, बच्चे लोग अगर उठा देते और हम निकलते बहुत परेशान हो जाता। हालांकि डायमंड अभी जगा हुआ था तो डायमंड इतना परेशान किया, आने में पूरा भूखा, पूरा एकदम भू भू किया, लेकिन उसको कंट्रोल करके आए हैं। लेकिन बच्चे लोग को तो जानकारी भी नहीं दिए। बच्चे लोग रात में ही बोला था पापा हमको जगाइएगा, लेकिन जगाते हैं, जगाने के बाद बहुत परेशान करता हम लोग को। वो बहुत जिद किए है, उसके बाद उसको रात में सुलाए हैं कि आ जाएंगे तुरंत में, छुट्टी जा रहे हैं, तुरंत में वापसी है, छुट्टी लेकर के आ जाएंगे। तो छोटू बोला है कि ठीक है पापा आप जाइए। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। यार छुट्टी जाने के बाद तो मतलब क्या बोले, जब छुट्टी समाप्त हो जाती तो ड्यूटी जाने में बहुत मन नहीं करता है, लेकिन करे तो क्या, ड्यूटी करना है तो जाना ही पड़ेगा। और आज एक घटना भी घट गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि बहुत बड़ी हादसा हुआ है। हमारे DSP साहब और कुछ ऐसे ऐसे लोग जो हैं शहीद हो गए हैं। अब वहाँ चलते हैं पहले ड्यूटी में, उसके बाद बताते हैं उसके बारे में क्या है नहीं है। तो चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं अभी आपको। तो देखिए आ गए हैं स्टेशन पटना राजेंद्र नगर, और ये पटना राजेंद्र नगर का व्यू है। हालांकि हम पीछे गेट से आए हैं, मेन गेट से आते तो आपको मेन रूप से दिखाते हैं यहाँ का व्यू कि किस तरह का है, लेकिन पीछे गेट से आए इसलिए पीछे का गेट से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ का प्लेटफॉर्म है जो कि ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मेरी है। 3 नंबर से मेरी ट्रेन आएगी गरीब रथ जो दिल्ली से आ रही है, और उसके बाद में यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं 3 नंबर पर। उधर भी लगी हुई कोई दिल्ली से गाड़ी आई है तो लगी हुई है। तो आए जो है ट्रेन को आने से आधा घंटा पहले पहुंच गए प्लेटफार्म पे। तो यहाँ पे देखिए बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर बार होता था कि हमको ट्रेन दौड़कर पकड़ना पड़ रहा था, इसमें परेशानी हो रही थी। कभी हो सकता छूट जाता, ये ट्रेन छूट जाती तो बहुत मुश्किल होता हमको ड्यूटी पकड़ना। तो इसीलिए आज पहले आधा घंटा पहले पहुंचे, जबकि जान रहे थे, मोबाइल में देख रहे थे कि ट्रेन मेरा आधा घंटा लेट चल रही है। फिर भी सोचे चलो प्लेटफार्म पे आधा घंटा बैठेंगे, क्योंकि कब गरीब रथ है, कब टाइम कवर कर लेता है पता नहीं चलता। तो प्लेटफार्म पे आके आधा घंटा पहले से बैठ गए। तो अब देखिए मेरा ट्रेन बिल्कुल प्लेटफार्म पे पहुँच गई है, और इसी ट्रेन से अब निकलना है। अभी जस्ट 1 घंटा विलम्ब कर दिया आधा घंटा के जगह। पहले हम खुद आए हुए राजेंद्रनगर से ट्रेन खुल चुकी है, और अब हम यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं बिल्कुल ड्यूटी के लिए। देख सकते हैं ट्रेन कितना स्पीड हो गई तुरंत में। जहाँ पे आना था आ गए स्टेशन पे, उतर गए यहाँ से ऑटो और चले जाएंगे यहाँ से अपने कैंपस। तो देख सकते हैं पीछे ट्रेन जो लगी हुई है, इसी ट्रेन से अभी उतरे और सो गए थे। प्रेस मुड़ने का मन नहीं लग रहा, आराम से AC में सो गए थे। अब निकलते हैं यहाँ से, ऑटो लेंगे और चले जाएंगे अपने जगह पर। तो यहाँ से लमसम आधा घंटा लगेगा, तो मेस भी बंद ही हो गया होगा, मेस में खाना मिलेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं इधर ही होटल में खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ इधर होटल में खाएंगे नहीं और डायरेक्ट वहाँ पे कैंपस चले जाते हैं तो मेस बंद हो गया, और मेस बंद हो गया तो वहाँ पे खाना मिलेगा नहीं। तो इसलिए पहले चलते हैं अपने होटल में कहीं पे और खाना खा के उसके बाद कैंपस। और आप लोग को दिखा दें यहाँ के स्टेशन का व्यू, थोड़ा तो देख सकते हैं किस तरह से है, और यहाँ से बाहर का भी लुक दिख जाएगा, इसलिए यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए ये सीढ़ी है, और यहाँ से जस्ट बाहर का लुक देख सकते हैं। इधर ही अभी जाएंगे हम और देख सकते हैं यहाँ का बाहर का लुक, ये यही रहा। तो
तो अब फाइनली पहुंच गए अपने रूम में। ड्यूटी जहां पे हम लोग करते हैं वहां पे, और देखिए मेरा बेड पार्टनर अभी तक मच्छरदानी लगा के ही सो रहा था, अभी आए हैं तो निकला है रूम से बाहर।